Now I have to start. Hello, Hemant. How are you? Welcome, Vinita. Welcome to all. Hello, everyone. Thank you for joining this class. Most welcome. Let's start. What's our target? This is NCERT basic premium course. We have to emphasize since class 4th to 12th of all social sciences books, near about 40 books. Today I chose history class 6th. Look on the board. History class hogi, class 6, 6th standard ka, jiske book ka naam hai Our Past. और आवर पास्ट को इंग्लिश में कहेंगे हमारे अतीत भाग एक. इसके जो चैप्टर्स हैं अध्याय यानी चैप्टर्स क्या कब कहां और कैसे व्हाट व्हेन वेयर एंड हाउ व्हाट व्हेन वेयर एंड हाउ तो ये हमें पढ़ना है. कल हमने क्लास सिक्स के सिविक्स की किताबें उठाई थी, ठीक है ना, सामाजिक राजनीतिक जीवन ये उठाया था. आज हमने क्लासिक्स का हिस्ट्री उठा लिया है उसको, क्योंकि बहुत इजी है तो इजी टू हार्ड की ओर बढ़े तो ये अच्छा रहेगा. बस अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि चीजों को कैसे पढ़ें, ठीक है ना, ये ध्यान रखना. तो ये बताना होता है कि कैसे पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ये ध्यान में रखना है. नाउ लिसन, जब आप क्लास सिक्स हिस्ट्री की पुस्तक उठाते हैं तो आपका जब पहला पेज और दूसरा पेज पलटते हैं तो आपके सामने में एक लिखा हुआ आता है एनसीईआरटी. आप जानते हैं कि एनसीईआरटी की किताबें हैं, पर क्या आप जहन में कोई सवाल पैदा करते हैं? तो पैदा करिए. जब आप एनसीईआरटी देखते हैं वहां लिखा हुआ है तो उसको यह ध्यान में लीजिए कि एनसीईआरटी यानी 1 सितंबर 1961, दैट इज द फाउंडेशन डे एंड ईयर ऑफ एनसीईआरटी. तो यह याद रहेगा. फिर दूसरा क्वेश्चन उसी से रिलेट करके माइंड में डालिए. According to new education policy 2019, NCERT going to be become university and providing the course of PhD, MPhil, JRF. Okay, ये ध्यान में रखना है. अब आइए, जो भी NCERT के director होते हैं वो व्यक्ति महत्व रखते हैं और ये क्वेश्चन बन जाता है जीके का, करंट अफेयर्स का, हु इज प्रेजेंट डायरेक्टर ऑफ एनसीईआरटी. तो ये एनसीईआरटी के ऊपर सवाल, फाउंडेशन डे ऑफ एनसीईआरटी, फाउंडेशन ईयर ऑफ एनसीईआरटी, इवन फुल फॉर्म ऑफ एनसीईआरटी. मालूम है फुल फॉर्म क्या होता है? एनसीईआरटी यानी नेशनल. बताइए कौन बताएंगे? चलिए ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये चार चीजें. आगे बढ़िए. अब आता है आपका नेशनल काउंसिल ऑफ रिसर्च एजुकेशन ट्रेनिंग, ठीक है. तो नेशनल काउंसिल ऑफ रिसर्च एंड एजुकेशन ट्रेनिंग, दैट्स कॉल्ड द एनसीईआरटी, कॉमन है, सबको मालूम होता है. जब तीसरा पन्ना पलटते हैं तो आता है आपका क्या? कॉन्स्टिट्यूशंस प्रीएम्बल. प्रीएम्बल आता है, प्रीएम्बल मतलब उद्देशिका. प्रीएम्बल आप पलट देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन जब पलटते हैं तो एक बहाना तो मिला ना कि भैया थोड़ा एक नजर देख लें, उसे पढ़ लें. तो जब प्रीएम्बल पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा बहुत कुछ, ये ध्यान में रखिएगा. ध्यान देना. तो जब आप प्रीएम्बल पलटते हैं तो भारत का संविधान उद्देशिका,
कभी सोचा कि इसमें कितने वर्ड्स हैं? 97 वर्ड्स हैं, और ये क्वेश्चन आ चुका है, 97 वर्ड्स हैं। अब आपसे पूछता है कि टेल मी हु सेड टू प्रियम्बल, प्रस्तावना को किसने संविधान की कुंजी कहा, द की ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल को ये किसने कहा? यू नो, आर्नेस्ट बार्कर ने कहा। चलिए अब आपसे एक सवाल करता है, हु कंसीडर और सेड द मिरर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी प्रस्तावना को संविधान का आईना किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू ने कहा। तो प्रस्तावना इंग्लिश में प्रियम्बल, हिंदी में उद्देशिका, फिर आया संविधान का आईना, संविधान की कुंजी, ये पांचों प्रस्तावना के संदर्भ में नाम है। अब अगले पॉइंट पर आइए, उसको देखते हैं, अगला पॉइंट क्या कहता है। क्या प्रियम्बल में कभी भी अमेंडमेंट हुआ या हो सकता है? तो याद रखिए, प्रियम्बल इज अमेंडेबल, प्रस्तावना संशोधनीय है, संशोधन हो सकते हैं। तो कितनी बार हुआ? सो फार वन टाइम। कब हुआ? ड्यूरिंग एमरजेंसी। किसकी सरकार थी? कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। कौन थी प्राइम मिनिस्टर? शी वॉज श्रीमती इंदिरा गांधी वॉज प्राइम मिनिस्टर। व्हाट वॉज द सीरियल नंबर ऑफ दिस अमेंडमेंट? 42nd अमेंडमेंट, नहीं, 42वां संविधान संशोधन। दैट इज द कंसीडर्ड, दैट इज लार्जेस्ट अमेंडमेंट। सो दिस अमेंडमेंट 42nd इज ऑलरेडी कंसीडर्ड द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज द क्वेश्चन ऑलवेज अराइज व्हाट, कि संविधान के किस संशोधन संख्या को लघु संविधान कहते हैं? तो इसे कहते हैं। यह अलग बात है कि 1935 के कॉन्स्टिट्यूशन को भी कहते हैं लघु संविधान। चलिए तो इसलिए याद रखिएगा, बहुत सारी चीजें हैं कि हमें कितने प्रकार का न्याय देता है, प्रस्तावना हमें न्याय देती है कितने प्रकार की। तो SEP सैप, सैप के याद रखने से आपको न्याय याद रह जाएगा। एस का मतलब क्या है? सोशल। ई का मतलब क्या है? इकोनॉमिकल। और पी का मतलब क्या है? पॉलिटिकल, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय देती है। सवाल है हमें कितने प्रकार की स्वतंत्रता देती है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्रीडम। तो फ्रीडम कितना देती है? एक्सप्रेशन का देती है, आइडियाज का देती है, फेथ का देती है, रिलीजन का देती है, नहीं, और उपासना वर्शिप मेथड का देती है। तो दीज आर सम फ्रीडम वी गेट फ्रॉम आवर प्रियम्बल। ठीक है, अब वो क्या इक्वालिटी की बात करता है? हाँ, वो ऑनर की बात करता है कि सभी लोग ऑनर्ड हों और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले जीवन में आगे बढ़ने का, तो समानता। तो देखा, तीन चीजें हमें क्या देती है? न्याय। और हमें स्वतंत्रता कितने तरह की देती है? तो 5 types of freedom। और हमें इक्वालिटी कितनी देती है? दो। तो ये ध्यान में रखना, ऐसी चीजें बहुत हैं, हम उसे छोड़े। ठीक है, अब आगे बढ़े। अब आ जाइए, आपका जो ये चैप्टर है आज का, उस चैप्टर फर्स्ट का नाम है क्या, कब, कहां और कैसे, व्हाट, व्हेन, वेयर एंड हाउ, इस पर फोकस करें। सुनिए इसमें क्या है, इस चैप्टर में 4 शब्द हैं जो मायने रखता है। क्या, यानी आज से 100 साल, 200 साल, 500 साल, 500 साल, 5000 साल पहले क्या होता था, क्या हुआ, ये जानकारी लीजिए। कब, तो क्या हुआ, कब हुआ, अच्छा कहां पर हुआ, अच्छा कैसे हुआ। तो यही 4 चीजों से जब आप शुरुआत करेंगे तो हम एक जासूसी अंदाज में पुराने जमाने में क्या होते थे समय के साथ समझते चले जाएंगे। तो इतिहासविद और पुरातत्वविद, आर्कियोलॉजिस्ट एंड हिस्टोरियन आर कंसीडर्ड लाइक स्पाई टू
टू डिस्कवर हिस्ट्री, और हिस्ट्री में देखिए HIS ठीक है ना, ट्यूअर स्टोरी छिपा है, कहानी, कहने का मतलब है जो कहानी बीत गया उसको डिस्क्लोज करना. तो देर आर डिफरेंट सोर्सेस टू डिस्क्लोज इट, टू अंडरस्टैंड, टू एब्सॉर्व इट. तो चलिए आपका चैप्टर जो है उस पर ध्यान दीजिए. आपका चैप्टर है क्या, कब, कहां और कैसे, उसमें आइए. रशीदा नाम की एक लड़की है, वो अखबार पढ़ रही है, और अखबार पढ़ते पढ़ते कुछ न्यूज ऐसा लगा कि उसके मन में आया कि 100 साल पहले इंसान कैसा था. और इसी से इस चैप्टर को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने का बच्चों के लिए प्रयास किया गया है. अब आइए, एक सब टाइटल आपका आया, लोग कहां रहते थे. तो समझिए, इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जब आप भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं तो उसमें कुछ कंट्रीज आते हैं, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, एंड समटाइम्स एडेड श्रीलंका. ठीक है, क्योंकि वो टेक्टोनिक प्लेट से जुड़ा है इंडिया से. जनरली 5 कंट्रीज, समटाइम्स श्रीलंका, दीज आर इंडियन सब कॉन्टिनेंट, भारतीय उपमहाद्वीप. तो भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले लोग कहां बसे, ऐसा वो पूछता है. योर एंसर विल बी नर्मदा रिवर वैली. नर्मदा नदी घाटी में सर्वप्रथम लोगों का बसना दिखता है. ये लोग दो चीजों में माहिर थे, एक फूड गैदरर, दूसरा हंटर. अच्छे कुशल शिकारी थे, जानवरों का शिकार करके अपनी रक्षा भी करते थे और उसका मांस भक्षण भी करते थे और उसके चमड़े से अपने वस्त्र भी तैयार कर लेते थे. ठीक है, अब हंटिंग के लिए वो स्टोन के और बोन के जो हैं इंस्ट्रूमेंट्स और वेपन्स बनाते थे, तथा और भी फूड को गैदर करते. तो हंटर और फूड गैदरर, यानी कुशल खाद्य पदार्थ को संग्रह करते, खाद्य संग्राहक, कुशल शिकारी. खाद्य पदार्थ कंद मूल, फल, जंगली फसलें, ये सब इकट्ठा करते खाते. यही दो एक्टिविटीज थी, हंटिंग एंड फूड गैदरिंग. ओनली देर आर टू एक्टिविटीज. ओके, बैंक ऑफ वैली ऑफ नर्मदा रिवर. नाउ यू हैव टू बी अंडरस्टैंड वेयर इज नर्मदा रिवर लोकेटेड, देन यू हैव टू गो इन ज्योग्राफी. नर्मदा रिवर सोर्स ऑफ फ्रॉम अमरकंटक हिल्स, दैट इज द ईस्टर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, एंड फ्लो साउथ वेस्ट एंड कम टू मेक एस्चुअरी इन द गल्फ ऑफ खंभात, वहां एस्चुअरी बनाते हैं. तो इस तरह से मध्य प्रदेश से गुजरते हुए गुजरात को टच करते हुए आ जाती है. तो वो जो नर्मदा वैली है, यानी सेंट्रल इंडिया में सबसे पहले लोग बसे, ऐसा ये किताब आपको समझने के लिए कहता है. ठीक है, भारत में सबसे पहले कहां लोग बसे, नर्मदा सेंट्रल इंडिया, नर्मदा वैली. पॉइंट क्लियर, दे आर फूड गैदरर, खाद्य संग्राहक एंड हंटर. क्लियर, नाउ लिसन केयरफुली. अब जब आप पेज टर्न करते हैं तो आपके पास अगला सवाल आता है. अगला सवाल आता है कि दो पर्वतों का जिक्र होता है, सुलेमान और किरथार. सुलेमान और किरथार पर्वत को पहले लोकेट करिए मेंटली. तो जब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जाते हैं तो आपके पास आता है पाकिस्तान, नहीं, पाकिस्तान में सिंध प्रांत है. तो वेस्टर्न साइड ऑफ पाकिस्तान सिंध प्रांत लोकेटेड टू माउंटेन्स, सुलेमान एंड किरथार. तो सुलेमान और किरथार माउंटेन आया. अब यहां बता रहा है कि यहां लगभग आज से 8000 वर्ष पहले, नियर अबाउट 8000 ईयर्स एगो, उस जगह स्त्री और पुरुष सभी लोग रहते थे और खेती करना शुरू किए थे. देवर स्टार्ट एग्रीकल्चर 8000 ईयर्स बिफोर इन द वैली ऑफ सुलेमान एंड किरथार माउंटेन. दिस इज नाउ
west part of Pakistan. They people grow wheat and barley. सबसे पहले गेहूं और जौ का उत्पादन उन्होंने किया. Not only agriculture, even along with animal husbandry. वो वहां पर पशुपालन भी करना शुरू किए. पशुपालन में वो क्या, भेड़, बकरी, गाय, बैल पालते थे. देवर ठीक है, क्या करते थे, कैटलिंग ऑफ शिप, गोट, ऑक्स, काउ, ये सब पालते थे. तो ये भी चीजें, तो पालतू बनाने का काम भी साथ साथ 8000 वर्ष पहले हुआ. अगर इसे हम एडी और बीसी के हिसाब से देखें तो बोलेंगे 6000 BC इन सुलेमान किरथार माउंटेन वैली द पीपल स्टार्ट टू बी नॉट ओनली एग्रीकल्चर अलोंग विद एनिमल हस्बेंड्री. ठीक है, तो याद रखेंगे. तो सवाल, सबसे पहले इंसान ने कौन सा फसल उपजाया, योर आंसर विल बी बार्ली एंड वीट. इफ यू हैव टू बी चूज एनी वन देन यू हैव टू बी गो विद जौ, बार्ली के साथ जाएंगे, कॉम्बिनेशन जौ और गेहूं. ठीक है, चलिए अब अगले पॉइंट पर आइए. अब सवाल उठता है, आपकी किताब आपको कह रहा है कि ऐसे ही कृषक समाज हमारे मेघालय में हुए. अकॉर्डिंग टू बुक नाउ इंडिकेशन इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया मेघालय रीजन देयर वाज ए हिल्स, टुडे इज आल्सो सिचुएटेड गारो हिल्स, गारो, खासी, जयंतिया. सो गारो हिल्स में ध्यान में रखिएगा क्या होता है, वहां पर भी लोग हैं, खेती बारी करना शुरू कर दिए हैं. तो बच्चों को ये बताइए कि वेयर इज गारो हिल्स लोकेटेड, इन मेघालय वेस्ट साइड, इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया. चलिए अब आता है, आपसे कह रहा है कि कहां पर चावल की खेती शुरू हुई, मैप में ढूंढिए. रिमेंबर व्हेन वी गो इन इंडियाज मैप इन सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया यू हैव टू फ्लो द गंगा रिवर एंड रिच एट अलाहाबाद देयर इज अ प्लेस कोल्डी हवा दैट वाज द प्लेस वेयर फर्स्ट टाइम राइस कल्टीवेशन स्टार्टेड बाय द अर्लीस्ट पीपल. अर्थात कोल्डी हवा में चावल का पहला एविडेंस मिलता है. कोल्डी हवा बैंक ऑफ गंगा रिवर नियर अलाहाबाद प्रेजेंटली इन उत्तर प्रदेश. तो ये ध्यान में रखना है. अब जो नेक्स्ट पेज पर आइए, नेक्स्ट पेज नंबर जो है वो थर्ड है, और नेक्स्ट पेज जो है वो ध्यान में रखना है, वो है आपका, देखिए. अब आपसे कह रहा है कि सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों में मनुष्य कब बसना शुरू कर दिए और छोटे मोटे शहर बनना शुरू हो गया. तो 4700 ईयर बिफोर प्रेजेंट बिफोर इन द वैली ऑफ इंडस रिवर एंड एसोसिएट्स आई मीन ट्रिब्यूटरीज रिवर पीपल स्टार्ट टू एस्टेब्लिश एंड डेवलप स्मॉल सिटीज लाइक इंडस वैली सिविलाइजेशन. यू नो वेरी वेल कि सिंधु नदी घाटी सभ्यता का आरंभ 2700 BC माना जाता है और एंडिंग जो है 1750 BC माना जाता है. 1000 ईयर्स ये सिविलाइजेशन चला. इट मीन्स वो 2700 BC है और ये 2020 चल रहा है. तो 2000 और 2700 4700. तो किताब में जो दिया उसको आप भी तोड़ करके अपने हिसाब से समझिए. यानी इंडस रिवर के आसपास हड़प्पा, मोहेजोदारो, चनहुद्वारो, कालीबंगा, लोथल, सूत कजिंदौर एंड सो मेनी सिटीज डेवलप्ड. सो व्हाट वाज द टाइम, सेम टाइम 4700 इयर्स बिफोर इन द वैली ऑफ इंडस रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज डेवलप्ड सिटीज. ये मतलब निकालना है. अब आइए, वही पैराग्राफ कह रहा है जबकि गंगा और उसकी सहायक नदियों में तथा समंदर के तटीय प्रदेशों में
शहरीकरण कह लीजिए या लोगों का बसना 2500 वर्ष पहले शुरू हुआ, यानी कि वो कह रहा है आपको 2500 वर्ष पहले, यानी कब, 500 सेंचुरी बीसी, 2000 साल ये और 500 साल बीसी में चले जाइए। तो दोनों तरफ से समझिए, ठीक है। तो गंगा में और उसकी सहायक नदियों के किनारे जब मनुष्य बसना शुरू किया, सेम टाइम इन कोस्टल एरिया, वट एवर इन तमिलनाडु संगमेरा, याद करिए संगमेरा, और वट एवर द आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा, ओके, इन दैट रिस्पेक्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो ये याद रखना है। अब आपका जो अगला पैराग्राफ कह रहा है वो ये कहता है नक्शे के हिसाब से कि जब हम गंगा नदी के दक्षिण में जाते हैं तो एक बड़ा राज्य डेवलप हुआ, दैट वॉज मगध। तो जब गंगा नदी को आप देखिए, ज्योग्राफी का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, तो जब गंगा नदी को देखेंगे तो गंगा नदी जब बिहार से गुजर रही है और बिहार को बीचों बीच काटती है, तो उसके साउथ में पटना यानी मगध एम्पायर उस जमाने का था। तो मगध एम्पायर वाज ए बिग सिटी, नहीं बिग एस्टेट, ठीक है, तो याद रखिएगा। तो वो भी तो 2500 साल पहले ही की बात कही जाएगी ना। तो ये कह रहा है, फिर आपसे कह रहा है कि मगध एक विशाल राज्य के रूप में था। अब अगला पैराग्राफ आपसे कहता है कि पुराने जमाने में मनुष्य जो यात्रा करते थे तो उसके कई कारण थे, जो आज भी वही कारण है मनुष्य के एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करने का। आप ही बताइए, आज दिल्ली में कोरोना आ गया, द पीपल्स आर टोटली डिवास्टेटेड मेंटली फिजिकली, नोबडी रेडी टू बी हेल्प एंथुसियास्टिकली, इन दैट रिस्पेक्ट those are feel that insecurity in Delhi and some cities, they have to be run away to their village. तो देखा, यात्रा करने का एक कारण क्या है, कोरोना से बचना, दूसरा फूड सिक्योरिटी की तलाश करना। तो ठीक वैसे ही पुराने जमाने में भी कभी डिजास्टर आ जाते, तो देखिए आज वेस्ट बंगाल में और उड़ीसा में और हमारा पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में डिजास्टर आया हुआ है, साइक्लोन, और 11 लाख पीपल को उसकी जगह से दूसरी जगह हटा के सुरक्षित रखा गया है, ओके, ध्यान दें। यू नो कश्मीर में हिंदू ब्रदर्स कैसे आ गए, बिकॉज ऑफ एथनिक वॉर, जेनोसाइड। तो ये चीजें, उत्तराखंड से लोग अब छूट करके दिल्ली बंबई बस रहे हैं, क्यों, बिकॉज देयर लाइफ इज टू मच हेक्टिक, बिकॉज समटाइम्स क्लाउड बर्स्ट, टू मच रेन, फ्लड, समटाइम्स टोटली डिवास्टेशंस, अर्थक्वेक्स। सो रीजन इज वेल, एजुकेशन पर्पज से लोग बाहर जाते हैं, ट्रेड के पर्पज से बाहर जाते हैं, विजिट करने के लिए जाते हैं, टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हैं, रिश्तेदारों से मिलने जाते हैं, जॉब करने के लिए जाते हैं, और कोई नई नई चीजें ढूंढने के लिए भी जाते हैं। देर आर अ लॉट ऑफ सेनाएं जंग जीतने के लिए जाते हैं कहीं से कहीं, वो युद्ध करते हैं और अपने राज्य का हिस्सा बनाते हैं। सो देर इज डिफरेंट कॉजेज टू ट्रेवल पीपल इन एंशियंट टाइम एंड प्रेजेंट टाइम। ये कॉन्सेप्ट वहां समझाया है, एंड दैट इज नॉट सच मोर इम्पॉर्टेंट। कम टू द नेक्स्ट पैरा। अब देखिए, बता रहा है कि भारत का मानचित्र देखो, और मानचित्र में पहाड़, पर्वत, समुद्र उपमहाद्वीप में पसरे हुए हैं, रेगिस्तान पठार है, इसको भी लोग पार करते हैं, क्रॉस करते हैं, तो दुर्गम स्थिति है, टू मच वेरी टफ लैंडस्केप इन स्पाइट ऑफ पीपल क्रॉसिंग फ्रॉम हेयर टू देयर। तो ये हमेशा मिंगलिंग हुआ है, एंड ऑलवेज पीपल कम फ्रॉम द आउटसाइड टू इंडिया बिकॉज इट इज वेरी अट्रैक्टिव प्लेस, फर्टाइल लैंड, गुड पीपल, एवरीथिंग इज गुड सिचुएशन एंड सिक्योर प्लेस। तो यहां अक्सर लोग आते रहे। वन थिंग, तो इन तरह से देखते हैं कि भारत का जो कल्चरल रिचनेस है, भारत की जो सांस्कृतिक समृद्धि है, बढ़ती चली गई अलग अलग लोगों के आने से, रहने से, बसने से। तो हमारी जो सांस्कृतिक परंपरा है वो रिचर होती चली गई, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अब आइए, अब जो यहां तक पढ़े हैं तो उसके बारे में पहले एक बार माइंड मेकअप कर लीजिए।
भारत की भूमि पर सबसे पहले लोग कहां बसे? इट्स योर क्वेश्चन, योर आंसर विल बी नर्मदा रिवर वैली। नर्मदा रिवर नदी में बस नदी के किनारे बसने वाले लोग का ऑक्यूपेशन क्या था? हंटिंग एंड फूड गैदरिंग, कुशल खाद्य संग्राहक और क्या थे? शिकार करने वाले। अब आइए सवाल, सबसे पहले इंसानों ने भारतीय उपमहाद्वीप में कहां पर खेती करना प्रारंभ किया? योर आंसर विल बी सुलेमान एंड किरथार माउंटेन वैली, एट प्रेजेंट वेस्टर्न पाकिस्तान। मनुष्य ने सबसे पहले गेहूं और जौ उपजाया, तो सवाल ये, मनुष्य ने सबसे पहले किस फसल का उत्पादन किया? योर आंसर विल बी बार्ली, जौ, वीट, गेहूं। ठीक है, खेती का आरंभ सबसे पहले आप कब देखते हैं? अब क्या बोलेगा, 8000 ईयर्स बिफोर, आई मीन 6000 बीसी इन वेस्टर्न पार्ट ऑफ दिस सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, अब आगे पॉइंट पर आइए, सिंधु नदी और उसकी सहायक नदी घाटी में प्रारंभिक शहर कब बसे? 4700 बीसी, आई मीन 2700 बीसी, दैट वॉज एसोसिएटेड विद इंडस वैली सिविलाइजेशन। गंगा और उसकी सहायक नदियों की घाटियों में शहर बसने लगे कब? 2500 वर्ष पहले, आई मीन 500 बीसी बिफोर, मतलब बीसी। ओके, अब अगला, भारत के तटीय प्रदेशों में लोगों का बसना, शहर का बसना कब प्रारंभ हुआ? सेम 500 बीसी, आई मीन 2500 वर्ष पहले आज से। पॉइंट क्लियर, तो ऐसे याद रखना है। और अब आ जाइए, अगला पॉइंट बनता है कि इन सब लोगों के, बाहरी लोगों के भारत में आने से हमारी संस्कृति समृद्ध हुई या वेस्ट हो गई, रिच हो गया? ठीक है ना, अब और आ गया, टर्न द पेज और अब आपके पास आएगा देश का नाम, बहुत सिंपल है। और यहां से क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि आप जानते हैं हमारे देश का नाम हिंदुस्तान, भारत, आर्यावर्त, सप्तऋषि प्रदेश, ठीक है, इसके अलावा इंडिया, ये सब पढ़ा कैसे? यहां ये समझाया है, तो आपकी किताब ये समझा रहा है कि आज से 2500 वर्ष पहले वेस्टर्न पीपल फ्रॉम ग्रीक एंड फ्रॉम ईरान के लोग जो भारत आए, तो सबसे पहले वो सिंधु नदी तट के पास आए। तो सिंधु नदी जो भारत में हम जिसे कहते हैं सिंधु, एस से, ईरानी भाषा जो होती है वो दरद लैंग्वेज फैमिली की भाषा है, याद रखिएगा, ईरानी भाषा को दरद परिवार से जोड़ा जाता है, जो हिंदी वाले हैं वो जानते हैं। तो उस भाषा में स का प्रोनाउंसिएशन ह होता है, जैसे सिंधु है ना, तो वो उसको प्रोनाउंस करेंगे ईरान के लोग हिंदू, तो सिंधु नदी को इन्होंने क्या कहा? सिंध, हिंद, सिंध, हिंद, ये मतलब हुआ। और इस हिंद को यूनान वालों ने क्या कहा? इंद, इंद कहा, तो इंडस। सिंधु नदी हिंदू नदी हो गई, और हिंद बोलने से जो ग्रीक लोग हैं यूरोप के यूनान वाले, उसे उन्हें क्या कहा? इंड, और हो गया इंडस। तो याद रखिएगा, तो ग्रीक वालों ने हमारे देश का नाम अपने हिसाब से क्या कहा? जो सिंधु नदी के पूर्व में बसते हैं, द पीपल्स हु सेटल्ड ट्रांस, ईरान की तरफ से सोचिए, ट्रांस सिंधु रिवर, दैट इज कॉल्ड द सिंधुस्तान, और सिंध को कहा उन्होंने हिंदू, तो हिंदुस्तान, नेम हिंद। और ग्रीक वालों ने हिंद को प्रोनाउंस किया इंद, तो इंडस हुआ, तो रिवर का नाम हो गया इंडस। और देश का नाम ग्रीक रोमन वालों ने क्या दिया? इंडिया। सो इन दैट रिस्पेक्ट द आवर कंट्रीज नेम हिंदुस्तान एक्चुअली ड्राइव्ड एज इट इज।
सिंधु रिवर प्रोनाउंस्ड बाय इरानियन पीपल एज हिंद, दैट्स कॉल्ड हिंदुस्तान. एंड ग्रीक पीपल प्रोड्यूस साउंड सिंधु एज हिंद, नॉट हिंद इंड. तो इंड इंडिया, दैट्स नेम द गिवन इंडिया. सो दिस नाउ उसी पैराग्राफ में आपको समझा रहा है कि हमारे देश का एक नाम भारत भी पड़ा. एक्चुअली किताब कह रहा है कि भरत नाम से एक कबीला रहता था, एक डायनेस्टी होती थी, एक वंश होता था. उस वंश के नाम पर उस देश का नाम भारत पड़ा. बिल्कुल सही, भरत नाम का राजा था शकुंतला, मालूम होगा, और दुष्यंत. शकुंतला और दुष्यंत जो है, ध्यान देना, शकुंतला और दुष्यंत जो है वाइफ हस्बैंड थे, और शकुंतला दुष्यंत से पुत्र हुआ भरत, और भरत जो है उससे जो चला वो कबीला कहलाया भरत कबीला. उसी से महाभारत के योद्धा लोग हैं. तो भरत कबीला जो है, ध्यान में रखिएगा, उसके नाम पर भारतवर्ष, उस व्यक्ति उस राजा विशेष के नाम पर भारतवर्ष. तो ये ध्यान रखना. मैं आपको दो और प्लस बता दूं, जो आर्य जन भारत आए वैदिक काल में, तो ये आर्यों का देश, व्रत मतलब देश, आर्य का देश, आर्यव्रत भी एक नाम पड़ा वैदिक काल में. ब्रह्मव्रत, चूंकि ब्रह्मव्रत जो है यहां ब्राह्मण लोगों का वर्चस्व था वैदिक काल में, तो ब्रह्म ऋषि देश ब्रह्मव्रत भी कहा गया है. तो ये भी आप जान गए. ठीक है, हमारे देश का एक नाम जम्बू द्वीप है विष्णु पुराण में, और जम्बू द्वीप का मतलब बड़ा द्वीप, और उसमें लिखा है हिमालय से लेकर सागर तक जो फैला हुआ भूखंड है वो जम्बू प्रदेश, जम्बू देश है, वो भारत है. चलिए, हमें तो बस बच्चों को ये समझाना है ना कि इंडिया कैसे नाम पड़ा, भारत कैसे नाम पड़ा, और हिंदुस्तान कैसे नाम पड़ा. अब अगले पॉइंट पर आइए. ठीक है, अब अगले पॉइंट पर. अब अगला पॉइंट जो आपको कहता है कि ये जो भरत नाम का एक कबीला था वो ऋग्वेद में उसका जिक्र है जो 3500 वर्ष पहले लिखी है. बिल्कुल सही. अगर बीसी में जाए तो 1500 बीसी से 600 बीसी तक पूरा का पूरा वैदिक सिविलाइजेशन है, और 15वीं सदी में ऐसा माना जाता है, बीसी 1500 बीसी में माना जाता है कि ऋग्वेद लिखा गया. ये अलग बात है उसका जो फर्स्ट एंड द लास्ट चैप्टर है मंडल, वो 11th सेंचुरी बीसी में लिखा गया ऐसा माना गया है. पर चलिए, ये बुक आज से 3500 वर्ष पहले लिखा गया, और ऋग्वेद में भरत कबीले का जिक्र है. इन दैट रिस्पेक्ट भरत कबीला कब रहता था, आज से 3500 साल पहले, यानी 1500 बीसी, जिसका जिक्र ऋग्वेद में है. ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं. अब अगला आपका जो सब टाइटल आता है वो आता है अतीत के बारे में कैसे जाने, अतीत के बारे में कैसे जाने. समझिए, अतीत को जानने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्सेस होते हैं. हम बेसिकली बताना चाह रहे हैं, थोड़ा किताब से आगे बढ़िए, देर आर बेसिकली टू टाइप ऑफ सोर्सेस. वन सोर्सेस इज कॉल्ड आर्कियोलॉजिकल एविडेंस. आर्कियोलॉजिकल एविडेंस का मतलब पुरातात्विक चीजें. देर आर नंबर्स ऑफ आर्टिफैक्ट्स, जैसे सिक्के, भवन, ईंट, खिलौने, मकान, इंस्क्रिप्शन तो छोड़ दीजिए, जो भी है ऐसे है. अब अगले पॉइंट पर आइए. अब है लिटरेरी सोर्स, जिसमें कुछ लिखित साक्ष्य मिलते हैं, इंस्क्रिप्शन मिलेंगे, पांडुलिपियां मिलेंगी, बुक्स मिल जाएंगे. तो देर आर टू टाइप ऑफ सोर्स, आर्कोलॉजिकल आर्टिफैक्ट्स पुरातात्विक सामग्री, और दूसरा मैंने क्या कहा बेटा, साहित्यिक सोर्स. जब किसी समय के ये दोनों सोर्स मिल जाए और एक दूसरे को फीडबैक दे दे तो उसे कहते हैं हिस्ट्री स्टार्ट. जब दोनों में से कोई एक सोर्स मिले और दूसरा नहीं, तो उसको फीडबैक नहीं मिला, तो उसको कहते हैं प्रोटो हिस्ट्री, हाफ हिस्ट्री. लाइक इंडस वैली सिविलाइजेशन, एंड वैदिक सिविलाइजेशन, दोनों प्रोटो में आता है. और जब ना तो लिटरेरी ढंग से मिले ना आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिले, क्योंकि उस जमाने के लोग लिखना पढ़ना नहीं जानते,
तो सिर्फ कुछ आर्टिफैक्ट्स मिले तो उसे कहते हैं प्री हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री। तो प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, हिस्ट्री। और जब हर चीजें मिले और सीक्वेंस में मिले हर चीजें, तो हम इसे क्या कहते हैं? प्योर हिस्ट्री। तो याद रखें, इंडस वैली पहले से जो भी है स्टोन एज, उसे कहते हैं प्री हिस्ट्री। पूरा पाषाण काल, प्राक इतिहास, अर्ली हिस्ट्री। और जो इंडस है और वैदिक है उसे आप क्या कह रहे हैं? दैट इज कॉल्ड प्रोटो हिस्ट्री। क्योंकि इंडस में आर्कोलॉजिकल मिला पर लिटरेरी नहीं, और वैदिक में लिटरेरी मिला आर्कोलॉजिकल नहीं। तो ये चीज है। अब हिस्ट्री कब से? तो गौतम बुद्ध का टाइम, 6th century BC स्टार्टेड हिस्ट्री। क्योंकि अब सीक्वेंस में तो नहीं पर हिस्ट्री, दोनों फीडबैक मिलते हुए चलता है दोनों सोर्स। और मौर्य पीरियड से प्योर हिस्ट्री माना जाता है। ये सब क्वेश्चन आ चुके हैं बड़े एग्जाम में, ये याद रखिएगा। चलिए, तो यहां पर बता रहा है पहले पांडुलिपि के बारे में। इंग्लिश का एक वर्ड है मैनुस्क्रिप्ट। मैनु मतलब हैंड, स्क्रिप्ट मतलब लेखनी, जो हाथ से लिखा जाए, हैंड रिटेन राइटिंग वर्क्स, नोन एज इन ग्रीक लैंग्वेज मैनुस्क्रिप्ट, हिंदी में पांडुलिपि। लिपि, उस जमाने में कागज का आविष्कार नहीं हुआ था, देर वेर नो पेपर, तो कई अन्य चीजों पर वो लोग लिखते थे, और पेंसिल वगैरह भी नहीं बनी थी, तो वो गहरी चीजें, नुकीली चीजें लिखते जो उस पर गड्ढा बना के अक्षर को उभार दे। तो ये चीज है कैसे, तो ध्यान दीजिए, जो भैंस होता है ना, भैंस, भैंस को संस्कृत में मेष भी कहा गया है, और भेड़ जो होता है उसको भी मेष कहते हैं। तो याद रखिएगा, भैंस के चमड़े को भी सुखाकर उस पर लिखा जाता था, और भेड़ के चमड़े पर भी सुखा के लिखा जाता था। तो भेड़ के चमड़े के संदर्भ में मेष चर्म कहा गया है। साउथ इंडिया में भैंस के चमड़े पर लिखा जाता था सुखा करके। अब आइए दूसरा, ताड़ का पेड़ होता है ना, पाम ट्री, जिसका पंखा हैंड फैन बनाते हैं, तो उसकी पत्तियां देखिएगा, बिल्कुल 1.5 से 2 इंच चौड़ी और लंबी लंबी आपस में सटी होती है। तो उसको काट दिया, जैसे पंखा बनाते हैं हैंड फैन, काट करके उस पर क्या करते हैं कि आप आराम से उस पर लिख सकते हैं। ग्रीन होता है, उसके क्लोरोफिल ऊपर में बैठा रहता है, तो उसको नोकीली जैसे आर्टिफैक्ट्स प्रकार वगैरह है उससे आप उसको लिखेंगे तो बिल्कुल उभर जाएगा। अब उभरने के बाद उसको आराम से ठंडे में ऑयलिंग कर दीजिए और मुलायम बना दीजिए थोड़ा सा धुएं पर सेक के। अब उसके बाद उसकी पत्तियों को चीर दीजिए और उसको क्लिपिंग कर दीजिए, बिल्कुल स्पाइरल की तरह वो काम करेगा। इसको कहते हैं ताड़ पत्र। तो पांडुलिपि ताड़ पत्र पे भी लिखा जाता था। अब एक पेड़ होता है नेपाल में और भारत में भी बहुत जगहों पर, मध्य प्रदेश वगैरह, हिमालय के रीजन में, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पेपरिश। हम संस्कृत में कहते हैं इसे क्या? भोजपत्र। ठीक है, एक्चुअली भोजपत्र को कहते हैं भ्रुज। तो याद रखिएगा, एक्चुअल वर्ड इन संस्कृत भ्रुज। पेड़ का नाम क्या है? भ्रुज। और उसके जो पेड़ के जो बार्क होते हैं, खाल, मतलब छाल कहिए, छाल, बार्क, उसको वो चाकू से काट के निकाल लेते हैं और उसको जो है उस पर लिखते हैं और उसको संभाल के रख देते हैं। तो याद रखिएगा, तो वो पत्ते की तरह हो गया। पत्ता मतलब का तलीफ, पेपर भी पत्ता है, हर एक पेपर पत्ता ही है, तो उसको क्या कहा गया? भोजपत्र। तो याद रखिएगा, भोजपत्र पर लिखते थे, और ये भोजपत्र भुर्ज नाम के पेड़ के छाल बार्क से तैयार होता था, जिसको पेपरिस आप कह रहे हैं। प्लस जो कॉपर की शीट होती थी, मेटल कॉपर की शीट, उस पर भी लिखते थे और क्लिपिंग करके पैक कर देते थे स्पाइरल, और वो भी रह जाता। तो ताम्र पत्र, पत्र मतलब शीट होता है बेटा, ताम्र पत्र कॉपर पे, भोज पत्र पेपरिश भुर्ज का पौधा के खाल से, पेड़ के खाल से। तीसरा मैंने क्या कहा? मेष चर्म भेड़ के खाल पर। ये सब तरीका था उनका पांडुलिपि का, ये ध्यान रखिएगा। अब सवाल है, ये पांडुलिपि क्यों लिखते थे? तो कोई कानूनी बात हो तो लिखेंगे, राजा का कोई आदेश हो, कोई युद्ध जीता गया हो, ये सब।
तो जनरली पांडुलिपि जो मिली है रिलीजियस ज्यादा है, पॉलिटिकल इकोनॉमिकल कम है, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो ये पांडुलिपि रिलीजियस अगर ज्यादा है तो वेयर एवर वेयर फ्रॉम वी गेट इट, कहां से हम जनरली इसको पाएंगे, मंदिरों से, मठों से। याद रखिएगा यही लिखा है, ये पांडुलिपियां मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती है। अब इसके विषय क्या क्या है, धार्मिक है, मान्यताओं पर आधारित व्यवहारिक है, राजाओं के जीवन के बारे में है, औषधियों के बारे में है, साइंस के बारे में है, कई जगह पोयम लिखी गई है, तो ये चीजें, नाटक लिखे गए हैं, तो ये चीजें ठीक है। कालिदास ने सारे भोजपत्र पे नाटक लिखे, जो नाटक लिखा उन्होंने भोजपत्र पे, ये चीजें। अब आइए, प्राचीन काल में प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे और पढ़े लिखे लोग संस्कृत बोलते थे। याद रखिएगा, सिंधु घाटी के लोगों की भाषा तो हम पढ़ ही नहीं पाए तो पता नहीं। वैदिक काल के लोग जो थे प्राक संस्कृत का इस्तेमाल करते, देवर यूज अर्ली संस्कृत, प्राक संस्कृत, एंशियंट संस्कृत, यानी जब संस्कृत प्रारंभ हो रहा है। तो प्राक संस्कृत आपके सिक्स क्लास सेवेंथ क्लास में लिखा है, आप इसे बोल सकते हैं क्या, वैदिक संस्कृत, वैदिक काल की संस्कृत ठीक है। गुप्त काल में जो देखते हैं आमजन और मौर्य काल में आमजन प्राकृत भाषा इस्तेमाल करते हैं और पढ़े लिखे लोग संस्कृत, जैसे आज कुछ ज्यादा पढ़े लिखे लोग सो कॉल्ड इंग्लिश, और हम और आप मिडिल क्लास हिंदी, और जो हमारे कमजोर वर्ग हैं जो उतना नहीं पढ़े लिखे हैं वो मिक्सिंग कोई भी भाषा अपने लोकल शैली में एडजस्ट करके पढ़ लेते हैं। अब आइए, पांडुलिपि के अलावा इंस्क्रिप्शन की बात कही गई है। तो इंस्क्रिप्शन क्या होता है, कोई भी स्ट्रॉन्ग चीजों पर अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर लिखा जाता है। इंस्क्रिप्शन जनरली राजा महाराजा लिखवाए, या तो युद्ध में विजय प्राप्त किए, चाहे कलिंग में हो या एहोल अभिलेख हो, या कहीं पर विधवाओं का सती होने का जिक्र हो, ठीक है, भानुगुप्त का एरन अभिलेख हो, और बहुत सारे, चाहे अशोक का लम्बघान हो, सारे कुना कंधार का अभिलेख हो, द्विभाषीय अभिलेख हो, तो अभिलेख जो है उन जगहों पर लिखाए जाते थे जो बॉर्डर होता था, लोगों के आने जाने का इम्पोर्टेंट प्लेस होता था, जहाँ लोग गैदरिंग करते थे, आने जाने के मार्ग पे होता था, उन जगहों पर अगर कोई पत्थर वगैरह है तो उसको घिस करके सतह को बराबर कर दिया, फिर छेनी से कार्विंग करके उस पर लिख दिया। कहते ना, पत्थर पर खींची गई लकीर नहीं मिटती, तो ऐसे लिखते थे, दैट्स कॉल्ड इंस्क्रिप्शन, जिसको आप हिंदी में क्या कहते हैं, अभिलेख। तो अभिलेख चट्टानों पर भी हैं, अशोक के कुछ अभिलेख पिलर पे भी लिखे हुए हैं, तो बहुत सारे राजा ने अभिलेख अपने छोड़े हैं। राज्य के आदेश हो सकते हैं, धार्मिक बातें हो सकती हैं, राजा के गुणगान हो सकते हैं, कोई युद्ध विजय का वर्णन हो सकता है, कलिंग का अभिलेख, प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त का, अशोक का लम्बघान है, हैं ऐसे ढेर सारे हैं, तो याद रखिए। तो ये इंस्क्रिप्शन हमें कहाँ मिले, पब्लिक प्लेस पर, चट्टानों पर लिखे हुए, पिलर पर लिखे हुए, पुराने जमाने। अब आइए हम जो बात करें, तो इसी में दिया हुआ है आपका कि कंधार में, अफगानिस्तान में एक जगह है कंधार, और कंधार में अशोक के अभिलेख मिले हैं जो 2500 वर्ष, 2250 वर्ष पुराने बताए जा रहे हैं। देखिए, आपका जो साइड में लिखा हुआ है पेज नंबर 5 पे, वो कहता है अशोक के अभिलेख तो नहीं बोलता, वो कहता है कि 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार में है, ठीक है। आखिर 2250 तो 250 बीसी, 250 बीसी कौन रूल कर रहा है, अशोक कर रहा है, 269 विधिवत, वैसे 273 से लेके 232 बीसी, दैट इज द पीरियड ऑफ अशोका दी ग्रेट। तो 250 बीसी यानी 2250 वर्ष आज से पहले तो अशोक है, तो अशोक का ही तो है लम्बघान, शारे कुना अभिलेख कंधार में, जो वो कहता है आठवीं ये न समझे कि राजा की सेना कमजोर है, जो कलिंग का युद्ध जीत सकती है वह इसका भी सर्वनाश कर सकती है, बेहतर हो राजा के आदेशों का पालन करे और शांत चित्त हो करके क्या धम्म को माने। ये थ्रेटनिंग दे रहा है आठविकों को, यानी शिकारी जातियों को, तो ये चीज है, तो याद रखना है,
ये बात है। अब आगे समझिए, अब है आपका कि यूनानी और अरामाइक भाषा में, बिल्कुल जो आपका कंधार अभिलेख है, ग्रीक और अरामाइक दोनों लैंग्वेज में लिपि तो मालूम ही है, खरोष्ठी और ये तो मालूम है। याद रखिएगा अशोक के अभिलेखों की जो लिपि थी, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ब्राह्मी लिपि और भाषा क्या थी आपको मालूम है, प्राकृत, भाषा प्राकृत, लिपि ब्राह्मी। पर अशोक के कुछ अभिलेख जो नॉर्थ वेस्ट में है उनकी भाषा क्या हो जाती है, खरोष्ठी। नहीं, याद रखिए, भाषा अरामाइक, लिपि खरोष्ठी हो जाती है। जो हम लोग अभी कैसे लिखते हैं लेफ्ट टू राइट, वो राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी। तो ये सवाल आते हैं, ठीक है, आगे की बात करते हैं। अब आगे की बात करें तो समझे जरा, बहुत सारी चीजें हमें खुदाई में मिलती हैं, उसमें एक संदर्भ दिया हुआ है कि इतिहासकार क्या करते हैं। तो वन हु स्टडी पास्ट कॉल्ड हिस्टोरियन, जो पुरानी बीती हुई चीजों को पढ़ते हैं, अन्वेंशन करते हैं, खोज करते हैं, व्याख्या करते हैं, उसे इतिहासकार कहते हैं। और जो इन पुरानी चीज़ों को अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं आर्टिफैक्ट्स का, उसे आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। जो एक्सकवेट करते हैं लैंड, जगह जगह से आर्टिफैक्ट्स इकट्ठा करते हैं, उसको रिसर्च करते हैं, स्टडी करते हैं, उसको आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। ये दोनों जासूस की तरह हैं, ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो आर्कियोलॉजिस्ट भी जान गए और हिस्टोरियन भी जान गए। अब अगले पार्ट पर चलें, अगला पेज पलटने से देखिए क्या आता है। पेज पलटते हैं, अब आइए, आपको इतिहास की एक बात बताया गया है कि बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट, एडी का मतलब एनो डोमेन, यानी ईसा मसीह के जन्म के साथ उसके बाद से, और आजकल कॉमन एरा का यूज होता है CE, कॉमन एरा, यानी कॉमन एरा का मतलब इंग्लिश कैलेंडर, और जब BCE बोलते हैं तो बिफोर कॉमन एरा यानी BC, तो आजकल इंग्लिश कैलेंडर ईसाई संवत को कॉमन एरा भी कहते हैं, उससे पहले जो BC कहते हैं तो BCE बोल दिए तो बिफोर कॉमन एरा, और CE बोल दिए तो कॉमन एरा, AD बोल दिए तो वही कॉमन एरा, एनो डोमेन ईसा मसीह के होने से, और BC बोल दिए तो ये, और एक आजकल चलता है क्या, बिफोर प्रेजेंट BP, BP मतलब ब्लड प्रेशर, BP मतलब बिफोर प्रेजेंट, यानी आज से पहले। तो इनमें जितनी चीजें बताया आज से पहले के संदर्भ में बताया, उसको आप BC AD में तोड़ते रहिए। अब आइए, कुल मिला के अब बता रहा है कि एक इंस्क्रिप्शन मिला है इजिप्ट के नॉर्दर्न पार्ट में, रोसेटा नाम का एक छोटा टाउनशिप है, वहां से एक कारतूश मिला है। याद रखिएगा इजिप्ट के लेखनी में जब कोई चीज को फ्रेमिंग करके उसमें कोई नाम वाम कुछ भी लिखा हो तो उसको कारतूश कहते हैं। द इंस्क्रिप्शन अंडर फ्रेम इट इज कॉल्ड कारतूश। तो इजिप्ट मिस्र के उत्तरी क्षेत्र में रोसेटा नाम के कस्बे से एक कारतूश मिला है जिसमें कुछ पिक्चर्स बने हैं, और उसके बाद उसमें दो भाषाओं का जिक्र है, वैसे वो तीन भाषाओं में है, एक तो चित्रात्मक है और बाकी दो भाषा एक इंग्लिश के संदर्भ में, इजिप्टियन लैंग्वेज के संदर्भ में है। तो एल लॉयन के लिए आया है, ए एविश यानी पक्षी के लिए आया है, तो एल फॉर लॉयन, ए फॉर एविश, एविश मतलब बर्ड्स, उसके लिए आया है। और इस तरह से उस कारतूश का नाम क्या निकलता है, पेटोलमिस। आप भी जानते हैं प्लूटेमी, पेटोलमिस बहुत बड़ा किंग था वहां का, मिस्र का। और एक आया है क्लियोपेट्रा, जब उसका अर्थ निकालते हैं तो दूसरे कारतूश में क्या है, क्लियोपेट्रा। तो उस इंस्क्रिप्शन में, उस कारतूश में एक रानी और एक राजा का नाम आता है, नहीं, पेटोलमिस और क्लियोपेट्रा, ये याद रखिएगा। तो कुल मिलाकर के देखिए ये 5000 वर्ष पूर्व का है ये राजा रानी वाले इंस्क्रिप्शन, जो इजिप्ट के रोसेटा से मिला है, जिसे कारतूश कहा गया है। यहां से सवाल तय है, कारतूश क्या है। द इंस्क्रिप्शन अंडर फ्रेमवर्क इन इजिप्ट दैट फाउंड गिवन द रेफरेंस अबाउट द किंग्स एंड क्वीन
ऑफ इजिप्ट दैट वॉज द 5000 ईयर्स ओल्ड। अगर बीसी में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे 3000 बीसी, तो याद रखना है। और इस तरह से ये आपका जो है इंपॉर्टेंस ऑफ दिस फर्स्ट चैप्टर हैज बीन एंडेड। अब कुल मिलाकर के ओवरऑल देखिए, दो मिनट आपके पास है, इसको देख सकते हैं। अब क्वेश्चन तो आप हल कर सकते हैं। आपका क्वेश्चन कह रहा है कि नर्मदा घाटी में तो आखेटक और संरक्षक थे। फिर कहता है मगध पहला बड़ा राज, द फर्स्ट बिग एस्टेट इट इज मगध। फिर कह रहा है कि गारो पहाड़ियों में आरंभिक कृषि हुई। गंगा घाटी में 2500 वर्ष पहले शहर बसने लगे, ठीक है, गंगा घाटी में। फिर आपसे कहता है कि सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों में प्रथम नगर बसे 4700 बीसी हड़प्पा। तो क्या कहेंगे आपसे मोहनजोदड़ो, क्या कहेंगे? तो याद रखना, भारत में प्रथम शहर, शहर टाउन सिटी हड़प्पा 47 बीसी, इंडस एंड ट्रिब्यूटरी, याद रखिएगा। और तटीय प्रदेश हो गए, गंगा का क्षेत्र हो गया, गारो हिल्स के बारे में समझ गए। फिर आप क्या कहते हैं, फसल क्या क्या उत्पादन किया, सबसे पहले कृषि कहां दिखती है, तो दिमाग में रखिएगा बेटा, गारो हिल्स इधर है, तो इधर सुलेमान और किरथार है, किरथार सुलेमान पश्चिम में, पूरब में गारो, नहीं बीच में विंध्याचल, नहीं, और फिर नर्मदा, और उस साइड जो है विंध्याचल के नॉर्थ में मगध और गंगा के साउथ में मगध। तो मगध कहां है? नॉर्थ ऑफ विंध्याचल एंड साउथ ऑफ गंगा। तो ये माइंड मेकअप करेगा, हर चीज आप समझ जाएंगे। फिर आपको क्या समझना था, पांडुलिपि, ये भी समझ गए। फिर आपको क्या समझना था पांडुलिपि के अलावे, इंस्क्रिप्शन, ये समझ गए। कौन सा इंस्क्रिप्शन द्विभाषीय है, कंधार 2250 बीसी अशोक का, ये समझ गए। अब अगले पॉइंट पर आइए, कैसे भारत का नाम पड़ा, इंडिया, समझ गए। तो ये कुल मिलाकर के एक परिचय देता है। और अगला जो चैप्टर है, अब वो नियोलिथिक एरा, पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल की बस्तियां, अब हम चलेंगे नेक्स्ट, ठीक है। कल हम चाहते हैं सब्जेक्ट बदल ले, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी एक सोशल लाइफ देख लिया, अब हम बात करें ज्योग्राफी की। आई वुड लाइक टू बी से टुमारो हम ज्योग्राफी की बात करेंगे, ठीक है। सिक्स ही क्लास का कर लीजिए, कोई हर्ज नहीं। तो थैंक यू वेरी मच एवरीडे, यू हैव टू बी विजिट, ठीक है, चलिए कल बात करते हैं, थैंक यू वेरी मच।